एमजी मोटर्स ने इंडिया में अपनी शुरुआत साल 2019 में की और कंपनी ने अपने पहले मॉडल के तौर पर एमजी हेक्टर को लॉन्च किया था, जिसने काफी कम समय में इंडियन मार्केट में अपनी एक अलग ही पहचान भी बना ली थी। वहीं अब पूरे 3 साल बाद कंपनी ने एमजी हेक्टर के फेसलिफ्ट को भी पेश कर दिया है और 11 जनवरी को इसकी कीमत का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों को ऑटोनेस पर और मैं हूं आपके साथ मनीषा। एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट को कई बड़े बदलावों के साथ पेश किया गया है, जिससे इसका डिजाइन तो बदल ही गया है, साथ ही इसमें कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट में क्या कुछ नया हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट एक्सटीरियर। एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट के डिजाइन की अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ा बदलाव जो हमें देखने को मिलता है वो है इसका ग्रिल। इस नई हेक्टर में एक बड़े साइज का डायमंड ग्रिल दिया गया है, जिसके साथ ही ऊपर की तरफ आपको स्लीक एलईडी डीआरएल और नीचे की तरफ हेडलाइट और फॉग लैंप्स भी मिल जाते हैं। वहीं कंपनी ने अपनी इस एसयूवी के बॉक्सी और बोल्ड लुक को बरकरार रखा है। गाड़ी के साइड प्रोफाइल में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किए गए हैं और इसे पहले की तरह ही 18 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ मार्केट में पेश किया गया है। इसके अलावा गाड़ी के डोर हैंडल्स पर आपको क्रोम देखने को मिल जाता है। वहीं पीछे की तरफ एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं जो कि आपस में कनेक्टेड है। एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट इंटीरियर एंड फीचर्स। 2023 एमजी हेक्टर के इंटीरियर की अगर बात करें तो इसमें सही मायनों में बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें कंपनी ने कॉकपिट स्टाइल का इंटीरियर दिया है, जिसमें आपको 14 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है, जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि ये इंडिया में किसी भी गाड़ी में मिलने वाले सबसे बड़ा डिस्प्ले है। वहीं इसमें आपको 75 से भी ज्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स, 50 से ज्यादा इंग्लिश वॉइस कमांड और डिस्प्ले से ऑपरेटेड सनरूफ का फीचर भी मिल जाता है। वहीं इस गाड़ी की खास बात यह है कि आप एम्बिएंट लाइटिंग्स को भी वॉइस कमांड के जरिए ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस एसयूवी में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ड्राइवर के लिए डिजिटल डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स और एक बड़ा बूट स्पेस भी मिल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा फीचर लेवल 2 एडास दिया गया है और इस एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम के साथ कार में लेन कीप असिस्ट, पावर्ड कोलाइजन वार्निंग के साथ इमरजेंसी ब्रेकिंग, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, ट्रैफिक जाम असिस्ट और हाई बीम असिस्ट जैसे फीचर्स भी जुड़ जाते हैं। एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट इंजन में नहीं हुआ कोई भी बदलाव। MG Hector के फेसलिफ्ट में एक्सटीरियर, इंटीरियर और फीचर में भले ही बड़े बदलाव देखने को मिले हो, लेकिन इसके इंजन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले की तरह ही 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड इंजन और 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता रहेगा। कंपनी ने इन तीनों ही इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ऑप्शन दिए हैं। MG Hector फेसलिफ्ट कब होगी लॉन्च? अपडेट मॉडल की कीमत मौजूदा हेक्टर से लगभग 1 लाख रुपए तक ज्यादा हो सकती है। वहीं एसयूवी इंडियन मार्केट में ह्यूंडई क्रेटा, टाटा हैरियर, किया सेल्टोस, जीप कंपास, स्कोडा कुशाक और वॉक्सवैगन टिगुआन को टक्कर देगी और इसकी लॉन्चिंग की अगर बात करें तो इसे 11 जनवरी को ऑटो एक्सपो 2023 में लॉन्च किया जाएगा। एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट सीटिंग ऑप्शंस। नेक्स्ट जन हेक्टर प्लस को 5, 6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया गया है और ये इंटेलिजेंटली डिजाइन सीटिंग ऑप्शंस, लग्जूरियस इंटीरियर्स और एम्पल स्पेस के साथ आती है। वहीं 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन मॉडल को कैप्टन कॉन्फ़िगरेशन सीट्स के साथ तो 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन मॉडल को बेंच सीट्स के साथ पेश किया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही ऑटोस मोबाइल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स हम रोजाना आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में।